आप देख रहे हैं JMD न्यूज आम जन की आवाज। आप देख रहे हैं JMD न्यूज आम जन की आवाज। Media has changed and so is the tool. But truth is the currency of news. Bringing out the authentic and unbiased highlights from the corridors of politics and administration. Vigilant eye on crime and corruption 24/7. Precise coverage on cultural, business and sports happening throughout the week. Film, fashion, food and more. Only on News and Views. स्वस्थ रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। देश की सुरक्षा जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। व्यापारी जो है तो वो भूखे मर रहे हैं। रेडियो पे चल रही उनकी मन की बात, टीवी पे भी करने लगे मन की बात, और अभी तक जनता नहीं समझ पाई इनके मन की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्राइम शो चुनावी दंगल में। लोकसभा चुनाव 2019 की बिसात बीत चुकी है, हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है। चुनाव के अलग अलग चरणों के लिए नामांकन और चुनाव प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जीत हार के चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चुनावी दंगल में हम आपको चुनाव से जुड़ी खबरों, मुद्दों और बयानबाजी के अलावा आम मतदाता और नेताओं की राय से भी रूबरू कराते रहेंगे। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। देश की सुरक्षा जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। व्यापारी जो है तो वो भूखे मर रहे हैं। रेडियो पे चल रही उनकी मन की बात, टीवी पे भी करने लगे मन की बात, और अभी तक जनता नहीं समझ पाई इनके मन की बात। कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई लोक लुभावन वादे किए हैं। मैं
प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था। लोकसभा चुनाव में फतह पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हम निभाएंगे के वादे के साथ न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए सत्ता में आने पर 20% गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना का शुरुआत करने की बात कही है। इसके साथ ही 22 लाख सरकारी नौकरियां, ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियों और अलग किसान बजट का ऐलान भी किया है। वहीं 3 साल तक युवाओं को कारोबार करने के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके साथ ही मनरेगा में 100 की बजाय अब 150 दिनों के रोजगार की गारंटी का वादा किया गया है। GDP में का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम हर दिन प्रधानमंत्री के तमाम झूठ सुनते आए हैं, इसलिए हमारा कहना है कि हम अपने वादे को निभाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैनिफेस्टो को 1 साल की कड़ी मेहनत से लोगों की राय लेकर तैयार किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का शीर्षक भी हम निभाएंगे रखा है। लोकसभा चुनाव में फतेह पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हम निभाएंगे के वादे के साथ न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए सत्ता में आने पर 20% गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने का वादा किया है। इसके साथ ही 22 लाख सरकारी नौकरियों, ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियों और अलग किसान बजट का ऐलान किया। वहीं 3 साल तक युवाओं को कारोबार करने के लिए किसी से भी अनुमति नहीं लेने की जरूरत है। इसके साथ ही मनरेगा में 100 के बजाय अब 150 दिनों के रोजगार की गारंटी का वादा दिया। GDP का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम हर दिन प्रधानमंत्री के तमाम झूठ सुनते हैं, इसलिए हमारा कहना है कि हम अपने वादे निभाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस मैनिफेस्टो के 1 साल की कड़ी मेहनत से लोगों की राय लेकर तैयार किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का शीर्षक भी हम निभाएंगे रखा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास है, आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र की कुछ खास बातें। गरीबी पर वार, 72,000, देश के 20% गरीबों को 1 साल में 72,000 रुपए। गरीबी पर वार, 72,000, 5 साल में 3,60,000 रुपए दिए जाएंगे। खाली पद भरे जाएंगे, मार्च 2020 तक 22 लाख खाली सरकारी पदों को भरने का वादा। खाली पद भरे जाएंगे, ग्राम पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं के लिए बिजनेस में रियायत, 3 साल के लिए युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। मनरेगा योजना के तहत 100 दिन रोजगार गारंटी के तहत 150 दिन तक गारंटी रोजगार देने का वादा। किसान बजट का ऐलान, किसान के लिए अलग बजट बनाने का वादा ताकि MSP समेत सभी जानकारियां किसानों तक आसानी से पहुंच सके। किसानों को कर्ज मामले पर रियायत, किसान कर्ज न दे पाने पर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, इसे सिविल ऑफेंस माना जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, GDP का 6% धन शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करेंगे, सरकारी अस्पतालों को और स्वास्थ्य केंद्रों को और बेहतर किया जाएगा।
स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करेंगे। गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर देने का वादा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था। कांग्रेस मुख्यालय में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने आखिर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है, और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। 2 मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है। 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है, मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। और सच्चाई बड़ी क्लियर है, 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी, तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं, 100 से अब हम एक। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था। तो आपने सुना कि पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या तमाम वादे किए। इन वादों को लोक लुभावन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वक्त बताएगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये वादे पूरे होंगे कि नहीं। लेकिन ये घोषणा पत्र बीजेपी के गले नहीं उतर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कहती है कि वे जो वादे करते हैं उसे निभाते हैं। इस घोषणा पत्र में ऐसी बातें हैं जो देश को तोड़ने वाली हैं और देश की एकता के खिलाफ हैं। आइए सुनते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा। प्रॉमिसेस, आई एम श्योर द कंट्री विल नॉट बी इन अ मूड टू ऑब्लाइज हिम for implementing the kind of promises which are contained in this manifesto. Some of the ideas are positively dangerous. They are an agenda for the balkanization of India.
इवन दो देर वॉज अ ड्राफ्टिंग कमिटी बट इट अपियर्स दैट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन ड्राफ्टेड by the Congress president's friends in the Tukde Tukde gang when it deals with Jammu and Kashmir and national security. Manifesto mein ye kaha gaya ki jab wo vaida karte hain usko nibhate hain lekin jankariyon ke abhav mein jo vaide kiye jate hain aur aise vaide jo kiye jate hain jinko kabhi lagu nahi kiya ja sakta jo apne aap mein khatarnak hain तब तो जनता उनको यह अवसर नहीं देगी. इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं. और जो कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता, उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं. अगर आप मैनिफेस्टो में 35वें पेज पे पॉइंट नंबर 30 है, बहुत इनोक्यूलस सरलता के साथ उसमें घुसाया गया है कि रूल्स रेगुलेशंस और कानूनों का रिव्यू होगा. मेरा एक अनुभव था जब 2004 से लेकर 10 तक हम 14 तक विपक्ष में बैठते थे उस 10 वर्ष के लिए. जब भी कांग्रेस के बजट आते थे तो मैं पहले दिन उन घोषणाओं को विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनके बजट्स में हमेशा जो डेवल होता है, द डेवल वॉज ऑलवेज इन द डिटेल. तो ये थी बात कांग्रेस के घोषणा पत्र की, जिसमें तमाम वादे थे और बीजेपी का भी एतराज शामिल था. यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे. आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है. प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है. और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया. देश की सुरक्षा जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं. किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है. व्यापारी जो है तो वो भूखे मर रहे हैं. रेडियो पे मन की बात, रेडियो पे चल रही उनकी मन की बात, टीवी पे भी करने लगे मन की बात, और अभी तक जनता नहीं समझ पाई इनके मन की बात. Generation.
न्यूट्रेला सोया चंक, इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। न्यूट्रेला, हेल्दी रहना सिंपल है। ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। ग्रैंड कीथ होटल्स, कंफर्ट, लग्जरियस, एक्सक्लूसिव, एक्सेलेंट रूम्स एंड स्वीट्स विद मॉडर्न फैसिलिटीज, बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, जिम ओपन शॉर्टली विद लग्जरियस सर्विसेज, ऑल्सो अवेलेबल ऑन मेक माई ट्रिप एंड गो आई बीबो। ग्रैंड कीथ होटल्स, दमाल कानपुर, कॉन्टैक्ट नंबर 0512-237-1024, 237-1046, 9792000685. Visit on www.grandkeithhotels.com. Hansraj Modern School makes learning joyful and fun-filled through activities like Science Park, Learn by Live Concepts, Chess Club, Learn Tactics and Strategy, Astronomy Club, Journey Beyond Stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. Bookings open. Jhansi Homes, 2BHK, 3BHK and 3BHK Luxury. JDA approved first podium garden concept in Jhansi. 90% Bhavan Nirmanpur. 24 hours Uch Koti ki security with CCTV camera, साथ ही community hall, water harvesting system और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं। झांसी होम्स आइए, अपने परिवार के साथ बिताइए एक शाही जीवन। सभी बैंकों से लोन उपलब्ध, रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर। झांसी होम्स, आपके सपनों का घर। बुकिंग्स ओपन, जल्दी करें, कुछ ही फ्लैट्स शेष हैं। बिहाइंड हाजी पेट्रोल पंप, अपोजिट जय अकेडमी स्कूल, शिवपुरी रोड, झांसी। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। देश की सुरक्षा जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। व्यापारी जो है तो वो भूखे मर रहे हैं। रेडियो पे मन की बात, रेडियो पे चल रही उनकी मन की बात, टीवी पे भी करने लगे मन की बात, और अभी तक जनता नहीं समझ पाई इनके मन की बात।
ब्रेक के बाद चुनावी दंगल में आपका फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की। अपने शासनकाल में हाथी और अन्य नेताओं की मूर्तियां लगवाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट मायावती को मूर्ति के लिए खर्च किए गए सरकारी खजाने में वो पैसे वापस जमा करने की बात कह चुका है, लेकिन मायावती ने अपना इस मामले में पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि लखनऊ में लगाई गई मूर्तियों का निर्माण राज्य विधानसभा में पर्याप्त चर्चा के बाद बजट आवंटित करके किया गया था। कोर्ट विधायकों द्वारा बजट के संबंध में किए गए निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने हलफनामे में कहा है कि मेरी मूर्तियाँ जनता की इच्छा को दर्शाती हैं। मूर्तियों का निर्माण राज्य विधानसभा में पर्याप्त चर्चा के बाद बजट आवंटित करके किया गया था। मायावती ने मूर्तियों के खिलाफ याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। आपको बता दें कि 2009 में दायर रविकांत और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील से कहा था कि लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कि मैं मायावती के शासन में जो मूर्तियाँ लगवाई गई हैं उन मूर्तियों पर 5,919 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिन्हें अपने क्लाइंट से कह दीजिए कि वो उनको जमा करवाए। पत्थर की 30 और कांसे की 22 मूर्तियों के रखरखाव को लेकर मायावती सरकार में 5,634 कर्मचारियों को बहाल किया गया था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने एक रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनाए गए पार्कों पर 5,919 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार नोएडा स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी की पत्थर की 30 मूर्तियां थीं, जबकि कांसे की 22 प्रतिमाएं लगाई गई थीं, जिसमें करीब 685 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन पार्कों और मूर्तियों के रखरखाव के लिए 5,634 कर्मचारी बहाल किए गए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि लखनऊ में लगाई गई मूर्तियों का निर्माण राज्य विधानसभा में पर्याप्त चर्चा के बाद बजट आवंटित करके किया गया था। कोर्ट विधायकों द्वारा बजट के संबंध में लिए गए निर्णयों पर सवाल नहीं कर सकता। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने हलफनामे में कहा है कि मेरी मूर्तियां जनता की इच्छा को दर्शाती हैं। मूर्तियों का निर्माण राज्य विधानसभा में पर्याप्त चर्चा के बाद बजट आवंटित करके किया गया था। मायावती ने यह भी कहा कि मूर्तियां जनता की इच्छा को दर्शाती हैं, जनादेश को दर्शाती हैं। विधानसभा के विधायक चाहते थे कि काशीराम और दलित महिला के रूप में मायावती के संघर्षों को दर्शाने के लिए मूर्तियां स्थापित की जाएं। मायावती ने हलफनामे में कहा है कि अन्य राजनीतिक पार्टियां भी राजनेताओं की मूर्तियां बनवाती हैं। ये उन राजनेताओं के प्रति चाह और समर्थन को दर्शाता है। मायावती की ओर से कहा गया कि मूर्तियों के खिलाफ दाखिल याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित है। मूर्ति के मुद्दे को उठाने से जनता का कोई मतलब नहीं है। हाथियों की मूर्तियों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सफाई दी कि हाथी केवल उनकी पार्टी बसपा का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे भारतीय पारंपरिक कलाकृतियों के चिन्ह हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी और हाथियों की मूर्तियां बनाने में जितना जनता का पैसा खर्च किया है उसे वापस करना चाहिए। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में दायर रविकांत और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि मायावती को मूर्तियों पर खर्च सभी पैसों को सरकारी खजाने में जमा कराना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील को कहा कि अपने क्लाइंट को कह दीजिए कि वह मूर्तियों पर खर्च पैसे को सरकारी खजाने में जमा कराए।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने एक रिपोर्ट पेश हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनाए गए पार्कों पर कुल 5,919 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार नोएडा स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी के पत्थर की 30 मूर्तियां, जबकि कांसे की 22 प्रतिमाएं लगवाई गई थी। इसमें 685 करोड़ का खर्च आया था। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इन पार्कों और मूर्तियों के रखरखाव के लिए 5,634 कर्मचारी बहाल किए गए थे। तो आज की दिनभर की राजनीति और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर यह थी हमारी खास पेशकश। चुनाव से जुड़ी और खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। देश की सुरक्षा जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है, और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। व्यापारी जो है तो वो भूखे मर रहे हैं। रेडियो पे मन की बात, रेडियो पे चल रही उनकी मन की बात, टीवी पे भी करने लगे मन की बात, और अभी तक जनता नहीं समझ पाई इनके मन की बात।